तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं विक्रम जी सर के ऑफिस में, साथ में हमारे आशीष भैया और ये चला रहे हैं CVR। ठीक है, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी, अब वहाँ पहुँच कर आपको बताते हैं, दिखाते हैं कैसा है उनका ऑफिस। CVR गाड़ी स्टार्ट कर दी है और ये रहा हमारा, ये देखो हरदेव नगर वाले ऑफिस में जा रहे हैं, जो उनका सेकंड स्टूडियो है, एक है मुखर्जी नगर में, दूसरा है हरदेव नगर में। तो यहाँ से हम लोग बुराड़ी की तरफ, और ये पार्क है, गाड़ियाँ वगैरह भी हैं खूब, पार्क है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि यहाँ पे अभी खूब बारिश हुई है चार पाँच दिन से। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि विक्रम जी सर जो SSC CGL की तैयारी करवाते हैं, तो उन्हीं के ऑफिस में जा रहे हैं, जो उनका हरदेव नगर वाला ऑफिस है। दो ऑफिस हैं उनके, एक मुखर्जी नगर में है और एक है हरदेव नगर में। तो ये हमने यहाँ से, ये नाला है, नाला का पुल है और इसे हम पार कर रहे हैं अभी। ये देखिए, ये नाला है यहाँ पर इस साइड, और लगभग 5-6 बजे का टाइम हो रहा है ये। तो यहाँ पे रास्ता काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है क्योंकि ये आउट एरिया पड़ जाता है इस वजह से, और खुदाई उदाई चल रही है यहाँ, रोड साइड बनेगी। ये देखिए रास्ते में कई सारे गड्ढे भी हैं। दहेज की जमीन के अंदर, अच्छा जमीन दहेजी है भैया बोल रहे हैं। ये देखिए, ये जमीन दहेज गई है पूरी तरह से, यही कर रहे हैं ये यहाँ पर रोड में। अच्छा यहाँ भी है, ये देखिए जमीन दहेज गई इसके अंदर पूरी। तो ये तो बहुत बुरा हुआ है इसमें रोड में। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया, मतलब जंगल टाइप का है पूरा, इधर बाग बगीचा बना हुआ है। सामने देखिए बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, इधर भी लगे हैं। ये वाइड एंगल पर शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अजीब लग सकता है आपको, ऊपर पक्षी वगैरह टहल रहे हैं अपने, मतलब उड़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये टेम्पू वगैरह आ रहे हैं, GTV नगर गांधी विहार। और यहाँ पर देखिए, ये आ गया हमें एक मिला ओवर ब्रिज। ठीक है, तो ये ऊपर से निकल रहा और हमारी गाड़ी लग गई रोड में क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, तो ये बस है, ये हाईवे है ना भैया, ये हमारा NH करके कुछ है आगे, और NH2 तो इटावा में है, ऐसे ही करके कोई हाईवे है। और इधर देखिए, इधर ये मेट्रो के लिए पुल तैयार हो रहा है, वहाँ देखेंगे आप मशीन लगी हुई है, इधर भी कई सारे हैं। और सामने देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे अब नीचे अंडरग्राउंड, क्यों हमें उस साइड जाना है, तो यहाँ से हम लोग इसके नीचे से हम लोग जाएंगे उस साइड, क्यों अंडरग्राउंड ही होता है यहाँ, सीधे सीधे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, ये आ गए अंडरग्राउंड में हम। अब यहाँ से ऊपर और दूसरी तरफ हम पहुँच गए। अभी देखिए आप, ये यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि बड़ी कोई गाड़ी ना जाए इसके अंदर। और यहाँ से हम उधर से आए थे उस साइड से, और अब हम आ गए इस साइड। ठीक है, तो इधर देखिए, ये काफ़ी अच्छा हाईवे है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, किनारे किनारे मतलब नीचे नाला है एक तरह से बोल सकते हैं। और हम लोग पहुँचने वाले हैं हरदेव नगर। ये देखिए ऊपर बड़े बड़े बिजली के पोल हैं। काम है तो वो हम करने जा रहे हैं अभी। ये देखिए, ये रहा हमारा हरदेव नगर में बस एंट्री कर चुके हैं हम दो। कहाँ पे, कौन सा है, अच्छा संगम विहार पे हैं अभी हम लोग, और पीछे काम चल रहा है मेट्रो। ये इधर मेट्रो का वो ब्रिज है, ये तैयार हो रहा है, यहाँ पे मेट्रो और चलेगी,
और इस साइड यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं इस टाइम। ये वाला चालू हो गया है और ये वाला चालू होगा है, आगे चढ़ौता है। आशीष भैया बता रहे हैं आगे चढ़ौता है यहाँ पर। ये देखिए कितनी बड़ी मशीन है, ये उठा के कोई भी पिलर कहीं से भी कुछ भी कर सकती है। इसमें बहुत पावरफुल मशीन है। नीचे देखिए कितने बड़े बड़े ये लगे हुए हैं और देखिए यहाँ से कितना सुंदर मतलब नज़ारा है इस टाइम। अगर इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग कर दी जाए तो एक प्रोफेशनल तरीके से व्यू आ सकता है इसमें। और आप लोग देखिए यहाँ से कई बहुत सारा मतलब बहुत लंबा सा ब्रिज बन रहा है। देखिए देखिए मजे लीजिए ब्लॉक के। ये देखिए भैया कितनी तेज जा रहे गाड़ी से। और इधर आ गए तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल गांव वाला माहौल है ना, और इधर देख रहे हैं तो फिर पूरा माहौल चेंज। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं और हम लोग दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या लगाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नई नई अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को। और ये देखिए यहाँ पर भी काम चल रहा है, ये मैं जो जनरेटर है इसे उठा के मशीन इधर ला रही है, तो बहुत सारा काम चल रहा है यहाँ पर। और हम लोग आ चुके हैं हरदेव नगर में, ये झंडा देख सकते हैं आप ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर भी काम चल रहा है सीवर का, ये मंदिर है साइड में, देखिए हरदेव नगर का बोर्ड लगा हुआ है और काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर जाम भी लगा है थोड़ा बहुत। तो ये जो है अभी ये मार्केट है यहाँ का, ये जो हरदेव नगर का मार्केट है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और बाइक पे बैठे बैठे कुछ इस तरह की हालत हो गई मेरी, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए ये मार्केट है यहाँ का जो आप लोग देख सकते हैं, यही है, ये रहा सरका स्टूडियो ऊपर पहुँचते हैं अभी। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं बस स्टूडियो में, और कुछ काम था इसका हार्ड डिस्क का, मुझे कंप्यूटर में कुछ डालना है तो वो काम करके पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये देखिए चलो चलो चलो, ये यहाँ से यहाँ फ्लैट में काम चल रहा है और कुत्ता भी सो रहा है इधर, और हम लोग चल रहे हैं। दीवार में बहुत ज्यादा छेद है, टूटी फूटी है। काफी ज्यादा ऊपर है, चौथे पांचवें फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर है, ठीक है। तो तीसरे फ्लोर पर स्टूडियो है सबका, और बस हम लोग पहुंच गए। अब हम आ गए हैं यहाँ से सीधे फिर से हाईवे पर। ये देखिए हाईवे है और लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाता हूँ इसका, फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ से देखिए पूरा हाईवे है, शायद कैमरे में कैप्चर ना हो पाए, आप लोग देख सकते हैं। ये इस टाइम हम लोग हाईवे पर हैं और हाईवे से फिर जाएंगे अंडरपास में, जो अभी आप लोगों ने देखा था अंडरपास इससे पहले। यहाँ से ये हम मुड़ेंगे और देखते हैं रात का नज़ारा कैसा है अंडरपास में। तो पहले तो यहाँ लाइटें नहीं जल रही थी, लेकिन इस टाइम लाइटें जल रही हैं इसमें। चलो चलो, सब्सक्राइब कर लेना, अर्पित साग के टैग चैनल है मेरा, नाम से टैग अर्पित साग के टैग, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो आप। मैं वही कह रहा हूँ यार, एक सब्सक्राइबर पड़ेगा, तू बोर्ड लगा के चल अपना। ये चैनल का नाम है, तो ये भैया मिले हुए जो पूछ रहे थे कि कौन सा चैनल है, तो मैंने बता दिया अर्पित साग के टैग एंड ब्लॉग। ये देखिए यहाँ पर हम फिर से आ गए,
ओहो गड्ढे हैं काफी ज्यादा, अंडरपास में मिल गए थे भैया। तो अभी मैं आ चुका हूँ वापस मुखर्जी नगर। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।